तो यहाँ देखिए बहुत से लोग आए दर्शन करने के लिए, और पीछे तीन चार बस आई हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है नर्मदा परिक्रमा में। तो आइए इस मंदिर को एक्सप्लोर करते और महादेव के दर्शन करते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। तो आज मैं आपको नर्मदा परिक्रमा के आखिरी स्टॉप यानी साउथ गुजरात का आखिरी स्टॉप मैं लेकर आया हूँ, जो विमलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लास्ट स्टॉप है जो साउथ गुजरात का हम कहते हैं नर्मदा परिक्रमा में। यहाँ से आपको बोट पकड़ के उस साइड जाना पड़ता है और नॉर्थ साइड से आपको जो परिक्रमा है वो शुरू करना पड़ता है। और यहाँ से आपको नर्मदा माँ समुद्र में संगम होता है अरेबियन सी में। विमलेश्वर महादेव जो साउथ गुजरात का आखिरी स्थान है नर्मदा परिक्रमा का, जो भरूच से 50 किलोमीटर, अंकलेश्वर से 40 किलोमीटर और सूरत से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये छोटा सा गांव है ममलेश्वर, जो अंकलेश्वर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आपको एंट्री है, कार और बाइक पार्क, बस पार्क यहाँ पर फैसिलिटी है। तो यहाँ पे भी बहुत से लोग आए दर्शन करने के लिए, और महाशिवरात्रि भी है अभी, तो और भी लोग आए, और सोमवार भी है। और सामने विमलेश्वर महादेव मंदिर है। तो यहाँ पर महादेव का बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन देखिए आप, ऊपर शिवलिंग है, ऊपर शेषनाग है, वासुकी नाग और त्रिशूल है। ये विमलेश्वर महादेव जो नर्मदा नदी के साउथ गुजरात का आखिरी स्टॉप है। तो ये देखिए यहाँ पर ये नर्मदा परिक्रमा करने के लिए ही आए सब। वहाँ पे तीन बस आई हुई है नर्मदा परिक्रमा करने के लिए, और ये आखिरी स्टॉप है दक्षिण गुजरात का विमलेश्वर महादेव नर्मदा परिक्रमा में। बाद में यहाँ से आपको उस साइड बोट के ज़रिए आपको जाना पड़ता है, फिर आपको उत्तर साइड का जो परिक्रमा है वो शुरू करना पड़ता है। ये दक्षिण साइड का, इस तरफ का दक्षिण साइड बोला जाता है। तो दक्षिण साइड का ये आखिरी विमलेश्वर महादेव तीर्थ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ पे तीन बस आई हुई है नर्मदा परिक्रमा में। तो विमलेश्वर महादेव मंदिर के बाजू में एक छोटा सा शिव जी का एक टेम्पल बनाया हुआ है, जो बहुत ही आकर्षक दिखता है बाहर से। दोस्तों यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी परिक्रमा जो करते हैं यहाँ पर फोटो के जरिए यहाँ पर बनाया हुआ है, ताकि पता चले। ये देखिए यहाँ पे लोग नर्मदा नदी परिक्रमा करते हैं, जो पौराणिक तरीके से बहुत पहले से करते थे। और यहाँ पर बोट भी बताया हुआ है जो नर्मदा नदी का परिक्रमा करते हैं, और वहाँ पर नर्मदा माता का फोटो भी है। के ऊपर का जो हिस्सा है आप देखिए, जो महादेव विराजमान है, माता पार्वती और कैलाश का दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है। गणपति बापा, कार्तिक भगवान है, नंदी महाराज है, मोर है, मूषक है। वहाँ पीछे शिवलिंग है, वासुकी नाग है, उसके पीछे बड़ा सा त्रिशूल है। मतलब क्या डिज़ाइन में बनाया हुआ है, आप देखिए पूरा।
तो चलिए अभी प्राचीन मंदिर जाते हैं, विमलेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जो सामने जो मंदिर है वही विमलेश्वर महादेव मंदिर है। रत्नेश्वर महादेव और विमलनाथ महादेव। ये रत्नेश्वर महादेव और उस साइड विमलनाथ महादेव। विमलेश्वर महादेव, यहाँ पे दो प्राचीन शिवलिंग है, यहाँ पर और यहाँ पर, और आपको यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं यहाँ पर। यहाँ पे महादेव अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर महादेव, और यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि इस विमलेश्वर महादेव की मतलब क्या विशेषता है पौराणिक कथाओं में। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसी जगह का वर्णन किया हुआ है। विमलेश्वर महादेव उत्तर तट पे 11 तीर्थ है और दक्षिण तट पे 23, और नर्मदा और समुद्र के संगम को 35वां तीर्थ कहा गया है। समुद्र नर्मदा संगम को 1.5 लाख तीर्थों का निवास बताया गया हुआ है। विमलेश्वर 1 लाख तीर्थ है और विमलेश्वर महादेव यानी इसी स्थान में 1 लाख तीर्थों का पुण्य यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर इसी स्थान पर दान करने से, स्नान करने से, जप तप होम का उच्चारण करने से यहाँ पर पुण्य मिलता है और अपने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो ये पूरा यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो नर्मदा परिक्रमा का आखिरी स्थान विमलेश्वर महादेव की यात्रा यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहेगा, आप सबने दर्शन किया होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस पवित्र धाम का दर्शन कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।